इज्जत करती हैं, आज भी करेंगी। क्यों जी अमा? बिल्कुल। अरे कर्ज, ये तुम हो ना? कितने कांगड़े पहलवान लग रहे हो, देखो। खुद को देखा है, सुमो पहलवान दिख रही हो। मॉम, ये आप थी? हाँ, उस जमाने में ऐसे ही फैशन चलता था। ओह माय गॉड, वेरी टैकी। तुमने कृषा के साथ हाथ मिला ही लिया। चलो अच्छी बात है, अब तुम अपने हाथ पैर हिलाओ, तिजोरी तक जाओ और इन चाबियों का सही इस्तेमाल करो। हमें हमारा हिस्सा चाहिए। आप सुन भी रही हैं? नहीं, हमें हमारा हिस्सा चाहिए, वरना मैं अभी के अभी देवराज के पास जाकर। जाकर क्या? क्या करना याद है ना? बहुत अच्छे। और तुम्हें भी याद है ना कि इस छोटे से काम की बहुत मोटी रकम तय हुई है, जो मुझे वक्त पे चाहिए। जयलक्ष्मी, तस्वीरों का बड़ा शौक है तुम्हें, रख। कभी कभी वीडियो बनाकर भी देख लो। तुम्हें क्या लगा था हम इतने बेवकूफ हैं कि तुम दोनों को अपने साथ भागीदार बना लेंगे और तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं रखेंगे अपने पास? ऐसी बेवकूफी एक्सपेक्ट करने वाला तो कोई महा बेवकूफी हो सकता है। अब अगर जाकर हम देवराज को ये वीडियो दिखा देना उग्रा, तो तुम, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कोई भी इस महल में नहीं दिखाई दोगे। कहो जाए। नहीं 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 जयलक्ष्मी। आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, बहुत ही भद्दा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा राघव। अगली बार ऐसा मजाक मजाक में भी मत करना। और अगर जिंदगी में कभी हमें धमकाने की जरूरत की ना, तो धमकी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं धमकी दे रहा हूँ? मैं तो सोच भी नहीं सकता। अगर आपको ऐसा लगा तो माफ कर दीजिए, आप तो मेरी माँ जैसी है ना, है ना जया माँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी माँ अपने आप को चालाक और खतरनाक समझती है, लेकिन हम वाकई में चालाक भी हैं और खतरनाक भी। ये बात तुम दोनों कभी मत भूलना। अब जयलक्ष्मी, हम दोनों तुमसे माफी मांग रहे हैं ना? वी आर सॉरी। देखो, तुम ये वीडियो देवराज को मत दिखाना, वो हम वी आर सॉरी। तुम हमें माफ कर दोगी ना? चलो माफ किया, अब जाओ। जयलक्ष्मी, वो एक छोटा सा काम था। वो क्या है ना, नैना यूरो ट्रिप पे जा रही है अपने दोस्तों के साथ, तो 10 लाख रुपए की जरूरत थी। तुम्हारे अलावा और कौन है हमारा, और किससे मांगेंगे? और प्लीज वो 10 लाख रुपए दे दोगी? इतनी सी बात? हाँ। ये रखो 10 रुपए। इस वक्त तुम दोनों की मिला के औकात इतनी ही है। जयलक्ष्मी उग्रा,
आवाज ऊंची की ना तो वीडियो दिखा देंगे। नहीं, जा रहे हैं हम। जाओ। चलो मॉम। वामिका? हेलो वामिका बेटा, कहाँ हो तुम? हम कब से ट्राई कर रहे हैं, तुम कॉल ही नहीं उठा रही हो। कहाँ? मैं सदमे में हूँ। और कहाँ होंगी मैं? और मुझे गए हुए कुछ घंटे नहीं हुए हैं महल से बाहर और तुमने उस कृष्णा से हाथ मिला लिया। माँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती हो वामिका। हम दुश्मनों से हाथ मिलाने वालों में से नहीं है, दुश्मनों का पत्ता साफ करने वालों में से है। तुमसे किया हुआ वादा हमें अच्छी तरह से याद है और वो वादा हम निभाएंगे। अच्छा, कैसे निभाओगे? उस कृष्णा से हाथ मिला के तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? माँ तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। शेर जब दो कदम पीछे हटता है तो सिर्फ बेवकूफ ये सोचते हैं कि उसने हार मान ली। असलियत तो ये होती है कि शेर शिकार करने के लिए तैयार हो रहा होता है। हमने दो कदम पीछे जरूर लिए हैं वामिका, लेकिन हार नहीं मानी है। हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं बेटा कि सब्र रखिए। इस वक्त कुछ भी करना हमारे लिए सही नहीं होगा। हम दोनों की भलाई नहीं है उसमें। हम सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। सही मौके पे ही वार करेंगे हम। इस वक्त हम कृष्णा के आगे कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि आप तो बुरी तरह से फंस ही चुकी हैं। अगर हमने कुछ भी किया ना तो हम भी फंस जाएंगे। इस लड़की के पास हमारी डीएनए रिपोर्ट है जिससे ये साबित होता है कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। माँ तुम्हें ना सिर्फ अपनी पड़ी है इस वक्त, अपनी बेटी की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। नहीं वामिका, बस अब बहुत हुआ। अब जो करना है वो मैं करूंगी, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी है, समझी? वामिका बेवकूफी मत कर। वामिका, वामिका फोन कट कर दिया। ये लड़की अपने गुस्से में जरूर कोई बेवकूफी करेगी। बस सब बात हुआ, अब मैं अपना बदला खुद ही लूंगी। कृष्णा तेरा तो खेल खत्म। और तू भी। अजय सारे अरेंजमेंट्स अच्छे से होने चाहिए, ओके? जी हुकुम। जाओ। इतने दिनों बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस ऐसे सब अच्छा चलता रहे।